हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करते हैं नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ आज ससुराल से, क्योंकि कल चले गए थे और आज अभी इस तक सब काम वाम करा। मिस्टर जी तो मार्केट चले गए जहाँ पे घर बन रहा है हमारा, और बच्चे और हम ही हैं यहाँ पे। अभी तक काम करके वैसे ही फ्री हुई जैसे, तो अब जाना है घर वाले रूम में उधर जहाँ बड़ी वाली दीदी जी रहते हैं और चाची सास का, वहाँ पे क्या छत मकान बन रहा है उनका भी, तो वो चीज़ों का ही उनका काम क्या चल रहा है। आवाज़ लगा रहे थे, फ़ोन भी आया था, बोले खाना आना यहीं खाओगे, तो अब चलते हैं उधर उनके घर पे सीधे। क्या काम चल रहा है वो भी देखते हैं, खाना पीना भी खा के आते हैं, सबके मिल के भी आते हैं। तो गैस चलते हैं, दीदी औरों के लिए जो भी सामान लाते हैं, मिठाई वगैरह ले जाते हैं हमारे यहाँ, तो वो ले कर मैं अब चलती हूँ सबसे मिलने के लिए। मौसम आज का ऐसा हो रखा, काफ़ी अच्छी धूप आई है। आजकल दो तीन दिन बारिश नहीं हुई तो धूप भी कड़क होने लग गई है। गाइस यहाँ पे चल रहा है काम, बरामदा डल रहा है आगे। गाइस हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, चाची भी आए हैं बैठने के लिए। वो हैं चाची सास, उनका ही आज छत डली है आगे बरामदा। मम्मी बैठे हैं और ये बैठा इधर रोहन, क्या कर रहा है? ओए चाची जी बोल रहे हैं, हम ऐसे ही बैठे हैं, वीडियो बना दी हमारी। मैंने कहा हाँ, आप लोग ऐसे अच्छे लग रहे हो, बड़े तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ये फ्रेंड है मम्मी और चाची जी, एक ही जगह जहाँ जाना रहता है वहाँ जाते हैं, खाना पीना भी एक साथ ही खा लेते हैं, उठना बैठना इनका एक साथ ही रहता है। कैसे खाना खा के आ गए हम लोग घर पे, आ रही हूँ यहाँ पे दिखाती हूँ मैं गुलाब के फूल कितने अच्छे खिले। हमारे यहाँ पे गुलाब के फूल इस तरीके के खिले रहते हैं। हवा भी चल रही है इतनी अच्छी और फूल इतने अच्छे हो रखे हैं। गाइस हम लोग नीचे जा रहे दीदी को मिलने, बड़ी वाली दीदी को, जिनके घर पे मैं पिछली बार रुकी थी। उनके घर क्या रोड से नीचे है ना, मैंने पहले भी दिखाया था। अंशु आगे आगे चले गए और खुशा पीछे आ रही है। मिस्टर जी मार्केट है और हम लोग तो घूमने में ही है, घर वालों को मिलने में ही है। अभी तक भी वहीं बैठे थे चाची इनके यहाँ पे, अब चलते दीदी के घर पे। गाइस पहुँच चुके हैं दीदी के घर पे, रोकी भी आ गया है कि मेहमान आ गए करके। गाइस एक फ्रूट होता है हमारे यहाँ हिसाब बोलते हैं इसको पहाड़ में, और दीदी तोड़ के दे रहे हैं मेरे को। इस तरीके से हुए हैं देखो, और कांटे इसके बहुत तेज कांटे रहते हैं, और खाने में इसके बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। फ्रूट ही है हमारे पहाड़ का ये भी। दीदी ने तोड़ दिए मेरे लिए, बच्चे तो ऊपर खेल रहे हैं रोड में, और हम लोग जा रहे हैं अभी, एक और देवरानी है यहाँ उसको मिलने जा रहे हैं, और टाइगर को भगा रहे हैं दीदी घर को, एक्शन को टाइगर जो बोल रही हो। गाइस अंशु वहाँ पे खेल रहा है, सब भैया लोग खेल रहे हैं उसके, और खुशी वगैरह चले गए वहाँ पे रोड पे घूमने के लिए। वो उधर खुशी लोग गए हैं घूमने के लिए। बाकी ये मेरा गांव है, गाइस कल यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो गया, ये गौशाला था इधर ये देवरानी लोगों का, और ये पूरा जल गया बाहर, इन्होंने आग वाग लग गई पूरी गौशाला की, हालत हो गई। एक गाय मर चुकी है वहाँ पे, और भैंस तो इन्होंने बांध दिया था बाहर, इसलिए भैंस बच चुकी, और इस तरह का नुकसान हो गया, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया यहाँ पे। भैंस तो बड़ी मुश्किल से बचा ली उन्होंने, बट गाय को नहीं बचा पाए, इसीलिए अभी आए थे उनके घर पे। देवरानी तो है नहीं, चाचा जी थे उनसे मिल लिए हम लोग, वो बैठे हैं यहीं पे। और हमारे यहाँ के घास को इस तरह स्टोर करते, फिर घास वास भी सब इस तरफ करके, और पूरा गौशाला जल चुका है उनका, इतना भारी भरकम एक्सीडेंट ही एक हुआ। खिड़की तक जल चुकी, छोटी सी खिड़की है ये भी जल चुकी है। कैसे दिख रहा है यहाँ से, पूरा गाँव दिख रहा है। ये है हमारा घर, यहाँ नीचे है ये गौशाला। वो पहाड़ों में इस तरीके से बने रहते हैं, देखो पहाड़ों में एक एक जगह कट करके इस
ये इतना दूर दूर ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बनते हैं घर। और मम्मी यहाँ पे ऐसे लगे हैं काम पे, गेहूं गेहूं का भूसा भर रहे, पता नहीं गेहूं सुखा रखे थे क्या कर रहे हैं। मम्मी हमारे साथ आओ बोलते हैं, वहाँ इनका मन बिल्कुल नहीं लगता। और यहाँ पे गेहूं का, गेहूं इन्होंने अच्छे से सुखा के भर दिए हैं, भूसा भी भर दिया इधर। हम उधर नीचे गए थे, मेरे को बोला मैं भी चल रही हूँ चल, और खुद यहाँ बैठ के यही काम करने में लगते हैं। और हमसे बोलते हैं मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, बैठ ही रहती हूँ, ऐसे काम है मम्मी के। और अभी देख ही लिया, मुझे पता था इतने दिन से वो गेहूँ में ही लगे होंगे, तो गेहूँ का ही काम चल रहा है उनका। बोलते हैं गेहूँ कहाँ है, गेहूँ जितने भी हुआ अब जितना भी है बवाला तो इतना रहता है, और सब कर दिया उन्होंने काम उसका कंप्लीट। इसीलिए कहीं जाते भी नहीं हैं और घर पे रह के यही काम करते हैं। गाइस यहाँ पे गौशाला भी है, उस तरफ दुकान है, ये नीचे वाले रूम में गौशाला बना रखा दीदी लोगों ने, गाय बांध रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे लगा रखे आलू, छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं आलू के, अभी अगले महीने तक खोदते हैं यहाँ पे आलू। यहाँ भी लगा दिए, यहाँ प्याज लखा रखा होगा क्यारी में, छोटी सी क्यारी है। खेत आजकल पूरे खाली हो चुके हैं। गाइस फिर से दीदी के यहाँ पे आ गए, दीदी बोल रहे हैं खाना खा के जाओ हो, घर जाने के बाद यही रहता है कि जहाँ पे भी जाते हमको घर वापस जाने नहीं देते, बोले आए ये तो घूमने में ही है, शाम से निकल गए थे, मैं इधर आई ये लोग भी आए, इसके बाद ये चले गए थे। और रोकी बैठा है इधर आराम से, और मिस्टर जी अभी आए नहीं है, आने वाले ही हैं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, अभी एक महीने पहले ही मैं किचन में यही किचन में खाना बनाती थी, अभी फिर से आज खाना बनने लग गया है दीदी के घर पे, और खाना आना बना लेते हैं। गाइस खाना खा के आ गए हैं रूम पे, अभी आए हैं जस्ट नाइट के, 10 भी बज चुके हैं। बाकी ब्लॉग को भी यहीं तक ही रखते हैं, ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।